हेलो एंड जय हिंद एंड डियर स्टूडेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एनडीए 1 2022 के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथ ही हम यहां पर बात करेंगे एक ऐसा सेफ स्कोर जो आपको टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि उतना स्कोर करने के बाद ही आप एनडीए में क्रैक कर पाएंगे एनडीए के रिटर्न एग्जाम को। उसके बाद आपके पास एसएसबी का कॉल लेटर आएगा और एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो एनडीए के रिटर्न प्लस एसएसबी की बनती है, उसके बाद जाकर आप एनडीए को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको वो टारगेट आज से बनाकर चलना चाहिए। ये वीडियो मैं अभी क्यों लाया हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि आप लास्ट के डेज में जब मॉक दे रहे होंगे तो आपको मॉक में इतना स्कोर करना होगा। क्योंकि अगर आपका मॉक में इतना स्कोर नहीं हो पा रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, या सेक्शनल कट ऑफ नहीं आ पा रही है, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, यानी आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि आपको कितना स्कोर टारगेट करके चलना चाहिए, या अगर हमारी कुछ चीजें दिक्कत होती है या कुछ मिस्टेक्स हो रही है इस बार के मॉक देने में, तो वहां हम कैसे इंप्रूव कर पाए। अगर मॉक आप दे रहे हैं तो मॉक में आपको मिनिमम कितना स्कोर अभी आना चाहिए ताकि आपको लगे कि आप एनडीए के जो एक्चुअल एग्जाम होगा वहां पर भी उतना स्कोर कर पाए। तो आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहां पर मैं दूंगा आपको 7 साल के पेपर का एनालिसिस, जहां पर हम बात करेंगे 13 एग्जाम की और वहां पर आई हुई सेक्शनल कट ऑफ और वहां पर आई हुई रिटर्न की कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी कितनी रही है उसको देखते हैं। यहां पर बात जो करेंगे हम 2015 के एनडीए एग्जाम से शुरू करेंगे। तो 2015 के एनडीए एग्जाम में जो सेक्शनल कट ऑफ थी, सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है वो पहले मैं आपको समझाऊं। तो यहां पर एनडीए में हमारे पास कितने पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शन, यानी 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक जीएटी का। मैथ्स का पेपर होता है 300 मार्क्स का और जीएटी का पेपर होता है 600 मार्क्स का। तो मैथ का पेपर तो सेपरेट मैथ का हो गया। इसके बाद जो जीएटी का पेपर होता है हमारे पास इंग्लिश का और यहाँ पर होते हैं जीएस का। तो यहाँ पर इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है और जो जीएस होती है वो 400 मार्क्स की होती है, यानी टोटल हमारे पास 1, 2, 3, यानी 3 सेक्शन हो जाते हैं। हम इन तीनों सेक्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है और यहाँ पर जो मिनिमम स्कोर आपको इतने में से करना होगा वही से बनती है सेक्शनल कट ऑफ। तो 2015 का जो एग्जाम था वहाँ पर 35% रही थी, जो अब तक की हाईएस्ट, से ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ अब तक नहीं रही है। इसके बाद जब हम 2015 के सेकंड एनडीए और 16 के फर्स्ट एनडीए में चलते हैं तो वहाँ पर 25% की कट ऑफ रही, यानी आपको मिनिमम 25% स्कोर करना था तब जाकर आपकी आप देखे जाएंगे कि आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। यानी आपका अगर इतने से कम स्कोर हो रहा है तो आपकी तो आगे कॉपी ही चेक नहीं होगी, यानी आपका देखा भी तक नहीं जाएगा। तो आपको मिनिमम इतना पहले करना होगा स्कोर एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके मैथ में 35% नहीं आते, मे बी इसमें 50% स्कोर लिया हो, तो अगर आपके इसमें 35% नहीं आते हैं तो आप रिकमेंड नहीं होंगे, यानी बाहर हैं आप। सीधी सी बात है, रिटर्न एग्जाम से आप बाहर हैं क्योंकि आपने एक सेक्शन छोड़ दिया, उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2016 के सेकंड एनडीए की, तो वहां पर अब तक की मिनिमम सेक्शन कट ऑफ की जो 20% थी, वो पेपर सबसे टफ रहा होगा। क्योंकि जब भी एग्जाम टफ होता है तो यहां पर कट ऑफ नीचे जाती है और जब एग्जाम ईजी होता है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। ऐसा आपके लिए नहीं लगेगा कि यार इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो आप ध्यान रखें कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। तो जो टफ पेपर होता है वो सभी के लिए टफ होता है और इजी पेपर होता है वो सबके लिए इजी भी होता है। क्योंकि टफ पेपर है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो आपने भी थोड़ा कम करा होगा तो आप उसके नीचे वाले कट ऑफ में भी आ जाएंगे, और ज़्यादा जाएगी कट ऑफ यानी इजी एग्जाम होने पर तो आप उसमें भी आ जाएंगे। लेकिन बस बशर्ते आपने तैयारी बहुत अच्छी करी हो, आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया हो। उसके बाद 2017 से जब शुरुआत हुई तो अब तक के जो एनडीए लगातार उसमें 25% की सेक्शनल कट ऑफ रही, यानी अब जो ट्रेंड है वो 25% की सेक्शनल कट ऑफ आने का है। यानी आपको अभी जो स्कोर करना है वो हर किसी में सेक्शनल कट ऑफ कितनी स्कोर करनी है, 25%, इसमें भी करनी है 25%, यहाँ भी करनी है 25%। बट 25% हम क्यों लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर आप 25% लेकर चलते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, 24 रह गई, क्योंकि हमने मान के टारगेट 25 लेकर चल रहे हैं, तो टारगेट को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और सेफ साइड के लिए मान के चलते हैं कि हम हर किसी में 30% का स्कोर करेंगे। ठीक है, 30% का स्कोर करने का मतलब है कि आप यहाँ पर मैथ में जो स्कोर करेंगे तो 90 मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, और जब हम बात करें जीएस की तो वहाँ पर आपके 120 मार्क्स होने चाहिए। यानी सिर्फ आपके कट ऑफ से ही यहाँ पर आप 270 का स्कोर अचीव कर लेंगे। यानी 270 का स्कोर तीनों को मिलाकर आपके सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई करने में ही पहुंच जाएगा। अब आपको इससे ऊपर का स्कोर करना है कि मुझे कितना अब इसमें ऐड करना है कि मैं मेरिट में आऊं। समझ में आ गया, सेक्शनल कट ऑफ तो यहीं पर अचीव हो गई हमारी इतना स्कोर करने पर मुझे तो मेरिट में आना, तो मेरिट में आने के लिए मुझे और कितने एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, कितने लाने पड़ेंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आप वहाँ पर लेके आएंगे तभी जाके आप मेरिट में आ पाएंगे, और मेरिट अगर आपकी अच्छी होगी तब आपको अपने मन की एक विंग मिल पाएगी, यानी अपने प्रायोरिटी भरी होगी आर्मी नेवी या एयरफोर्स या
एनए में, तो वो आपको तब मिल पाएगी जब आपकी एक मेरिट अच्छी है, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एक्सेलेंट हैं, यहाँ पर आपके मन की विंग कोई सी भी होगी वो आपको मिल जाएगी। पर अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, पर आप एसएसबी में भी रिकमेंड हो चुके हैं, एनडीए में आ चुके हैं, पर मान लीजिए आपने चुनी थी एयरफोर्स, पर आपकी मेरिट अच्छी ना होने की वजह से आपको हो सकता है कि आर्मी विंग मिल जाए, तो आपके मन की विंग नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मन की विंग चाहिए तो इतना स्कोर तो आपको क्या करना है, सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखते हैं कि रिटर्न की फाइनल मेरिट क्या बनती है। ये रिटर्न की मेरिट हो रही है, रिटर्न की मेरिट कितने मार्क्स में से निकलती है, 300 मार्क्स ये हो गए आपके पास, और यहाँ पर आपके पास हो गए 600 मार्क्स, यानी 900 मार्क्स में से आपकी बनती है रिटर्न की मेरिट। तो रिटर्न की मेरिट की बात भी हम करेंगे 2015 के फर्स्ट एनडीए से, जहाँ पर ये मेरिट थी 306 मार्क्स की, उसके बाद ये मेरिट थी 269 मार्क्स की, और उसके अगले एनडीए में थी 288 मार्क्स की। तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जब 35% सेक्शन कट ऑफ थी तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पर हाई मेरिट रही होगी, उसके बाद फिर कम हुई क्योंकि 25% था और वहाँ पर एग्जाम शायद थोड़ा टफ रहा होगा, इसलिए जो मेरिट है वो 300 मार्क्स से काफ़ी कम रही। तो यहाँ पर जब 20% सेक्शन कट ऑफ रही 2016 के सेकंड एनडीए में, तो वहाँ पर आपकी जो मेरिट थी वो भी बहुत कम रही, 229। तो अब तक का जो सबसे टफ एनडीए रहा होगा शायद उस टाइम का रहा होगा, उस टाइम के स्टूडेंट्स ने सबसे टफ एनडीए दिया होगा और वहाँ पर मेरिट इतनी कम गई। पर इसके बाद जैसे हम 17 में एंटर करते हैं तो मेरिट एकदम से बहुत ही बड़ा जंप आता है, यानी 120 मार्क्स के पास का जंप आता है और मेरिट पहुँच जाती है 342 मार्क्स की, यानी वहाँ पर बहुत शायद ईजी एग्जाम आया हो, यानी एक साल टफ आने के बाद अगला एग्जाम था वो कैसा हो गया, थोड़ा सा ईजी। इसके बाद जब बात करें 17 का एग्जाम था, फिर से मेरिट ने फिर से एक लो लिया और करीब 80-90 मार्क्स का लो लिया, अब वो पहुँच गई 258। तो 258 फिर से मेरिट कम हुई। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं 2018 में, तो वहाँ से एकदम से एरिना बदल गया और अब तक के एग्जाम में कभी भी मेरिट 325 मार्क्स से नीचे नहीं गई। हर बार एनडीए की जो मेरिट है आपको देख सकते हैं 2018 के एग्जाम से 338, 325, 342, 346, 355, 343, और इस बार का जो एनडीए एग्जाम हुआ है 2021 का सेकंड एनडीए, तो उसमें एक्सपेक्टेड मानी जा रही है कि 340 से प्लस की मेरिट रहेगी। तो आपको ने देखा कि जो 2018 था वहाँ से एक अलग ही चेंज आया है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि 25% हमारे पास कट ऑफ लगातार चल रही है, जो सेक्शन कट ऑफ है, और जो एनडीए में फाइनल मेरिट है रिटेन एग्जाम की वो मेरिट आपकी 325 मार्क्स से प्लस रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार के एनडीए एग्जाम में भी आपकी 340 प्लस की मेरिट रहेगी? अब यहाँ पर जो हाई लिया है मेरिट ने तो वो 355 मार्क्स का भी लिया है, तो अगर 355 मार्क्स का हाई लिया है तो हम हाई से भी ऊपर लेकर चलें ताकि हम एक सेफ साइड बना सकें। तो यहां जो हम सेक्शनल कट ऑफ मानकर चल रहे हैं, तो ये सेक्शनल कट ऑफ जो हमें स्कोर करनी है वो हमारी होनी चाहिए 30% इन ईच सेक्शन। तो हर सेक्शन में आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, और आपको अगर आना है किसमें फाइनल कट ऑफ में, जो रिटर्न की बात हो रही है, तो रिटर्न में आपको कम से कम अपने देखा कि जो मैक्स गया था वो 355 मार्क्स था, तो हम मैक्स में भी कुछ ऐड कर दें ताकि हम अगर मैक्स से भी ऊपर जाता है नहीं है, तब भी जाकर हम अच्छा स्कोर कर पाएं। तो हम मानकर चलते हैं कि 370 प्लस को हम टारगेट करके चलें, ठीक है? तो 370 अगर आप स्कोर करके चलते हैं तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा और आप फाइनल रिटर्न की मेरिट में भी आ जाएंगे। यानी 270 हमारा केवल कट ऑफ से हो रहा था, यहाँ पर आपको मिनिमम 100 मार्क्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है? अब ये तो हो गए मिनिमम मार्क्स जहाँ पर आप फाइनल मेरिट में आ रहे हैं, पर अभी भी हमको अपनी डिजायर्ड क्या चाहिए, विंग। तो इतना अगर आपने स्कोर कर लिया, समझ लीजिए अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, इवन आपने 350 से प्लस भी कर लिया, तो आपके बहुत चांस रहेंगे कि आप आ जाएंगे, पर एक सेफ साइड तो लेकर चलें कम से कम हम, कि जहाँ पर अगर लगता है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर चेक कर रहे हैं अभी मॉक कर रहे हैं, तो मॉक में आपका इतनी सेक्शन कट ऑफ आ रही है, इतना आ रहा है, तो आप समझ लें कि अच्छा कर रहे हैं, पर आपको इतने पे संतुष्ट नहीं होना है, इससे ज़्यादा करना है, ठीक है? उसकी बात अभी आगे करेंगे हम, और साथ में आपको देखना कि मैं एक अच्छा खासा स्कोर कर पाऊँ, ठीक? तो यहाँ पर अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आ जाएंगे आप मेरिट में, पर हमें आपको हमें तो चाहिए डिजायर्ड विंग, तो डिजायर्ड विंग हमें मिलेगी कम से कम 450 मार्क्स तो आपको करने पड़ेंगे, 450 प्लस मार्क्स। तो आपका इतना देखिए, सेक्शनल कट ऑफ के लिए टारगेट 30% रहना चाहिए, रिटर्न की फाइनल कट ऑफ के लिए टारगेट 370 मार्क्स रहना चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि आप फाइनली आप आ जाएं, अच्छी खासी विंग मिल जाए आपको जो सोच रखी है, तो आपको 450 प्लस मार्क्स करने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर है, यहाँ पर फाइनली हमारा सेफ स्कोर निकल कर आता है 370 मार्क्स विद 30% सेक्शनल कट ऑफ इन ईच सेक्शन। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे और आपको अपनी डिजायर्ड विंग भी मिल जाएगी, यानी वो 450 करने के बाद। तो यहाँ पर आपको 900 मार्क्स में से मिनिमम 450 कर लीजिए, आप 400 भी करते हैं हो जाएगा, इतना भी करते हैं हो जाएगा, पर मे बी अगर आपको लगता है कि आपने नेवी चुन रखी थी, क्योंकि नेवी की जो मेरिट होती है हाई जाती है, एयरफोर्स की उससे कम जाती है और आर्मी की सबसे कम जाती है, तो उस हिसाब से अगर आपने अगर नेवी चुनी है तो आपको ज़्यादा स्कोर करने की तरफ ध्यान देना है, अगर आर्मी चुनी है तब भी आप ज़्यादा स्कोर कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है तब भी आपको विंग अपनी मिल जाएगी।
तो अगर अभी आप जो मॉक दे रहे हैं उसमें आपके कम से कम इतने सेक्शन कट ऑफ इतने मार्क्स आने चाहिए तब जाकर आप सेफ हैं। तो इतने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इस बार के एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी या कुछ चीज़ें जो भी मिस्टेक हो रही उनको सुधारते हुए इतने स्कोर करने की तरफ ध्यान दें। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में कुछ ही दिनों के अंदर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरह से एनडीए की ओएमआर सीट भरते हैं, ओएमआर सीट को भरने का एक सही तरीका क्या होता है, एक स्मार्ट तरीका क्या होता है, साथ में हम जीएटी के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकें और कुछ मिस्टेक्स को कम करें, साथ फिर हम एनडीए के में मैथ के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, वो सारी वीडियो आपको थोड़े दिनों में आने वाले दिनों में मिलने वाली है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।